हेलो दोस्तों, मैं सीमा, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी की स्पेशल डिजाइनर रेसिपी। अगर घर में कोई नहीं भी खाता है वो भी खाएगा। इस तरह से हमने लौकी का आधा पार्ट कर लिया है और ऐसे इसमें हम कट लगा देंगे। इससे क्या है, बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं, उनको जब डिजाइन दिखता है। नहीं तो बच्चे लौकी से काफ़ी भागते हैं। लौकी काफ़ी हेल्थवर्धक होती है, इसलिए हमें लौकी ज़रूर बनाना चाहिए। लेकिन अगर हम बच्चों को थोड़ा ट्रिक करके सब्जी में चेंज करके देंगे तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। एक बार आप इस तरह से लौकी बनाकर देखिए, फिर देखिए बच्चे कितने इंजॉय करके खाएंगे और मस्त आपकी जो लौकी फटाक से ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से सारी लौकी को हम कट करते जाएंगे। आपको हम दिखा देते हैं, इस तरह से आप नाइफ से इसको काट लेना है और फिर हम इसको आगे से फ्लावर की तरह बना देंगे। बहुत ही गजब की ये रेसिपी मैंने बनाई थी पहले, मैंने सोचा फिर आपको शेयर ज़रूर करूं। बहुत ही मस्त बनकर तैयार हुई है और ज़्यादा हम मसालों का प्रयोग नहीं करने वाले हैं इसमें। बहुत ही कम सामान में हम इस लौकी को बनाएंगे। थोड़ा बस ये डिजाइन बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन बहुत ही लाजवाब और अनोखी हमारी ये रेसिपी बनी है। आप ज़रूर एक बार इसको ट्राई करके देखना, बहुत ही गजब का टेस्ट देने वाली हमारी। अब यहाँ हमने सारे लौकी को रख लिया है एक बाउल में, उसमें हल्दी पाउडर 1 स्पून के करीब, काश्मीरी लाल मिर्च और 1 स्पून ही हमने इसमें यहाँ बेसन लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये सब में कोट हो जाएगा अच्छे से। इस तरह से हल्का सा हम इसको इस तरह से हिला लेंगे। बहुत ही गजब और यूनिक हमारी ये सब्जी है। आपको कहीं भी यूट्यूब में इस तरह की सब्जी दिखाई नहीं देगी। अब यहाँ ऑयल गरम कर लिया था, 1 स्पून यहाँ हमने घी ऐड किया है। गरम मसालों का यहाँ प्रयोग नहीं किया है, आप चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ हमने 1 प्याज लिया था जिसको ग्राइंड कर लिया था, हल्का मोटा दरदरा ग्राइंड किया है। यहाँ 4-5 लहसुन की कलियाँ थी जिसको हमने कूट लिया था, उसको डाला है। आप चाहे तो गरम मसालों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गरम मसालों की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी टेस्ट आता है इस तरह से भी अगर हम सब्जी बनाएंगे। अभी इसको हम अच्छे से भुनने देंगे। कलर आप देख सकते हो चेंज हो चुका है प्याज का। यहाँ हमने 2 टमाटर लिया था, उसको दरदरा हमने किया है चॉप। अब इसको अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च, आप चाहे तो इसकी जगह हरी मिर्च का प्रयोग भी कर सकते हैं, धनिया पाउडर, इन सबको और नमक स्वाद अनुसार, इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। टमाटर के साथ नमक ज़रूर डालना चाहिए, इससे टमाटर अच्छे से हमारा गल जाएगा। इसमें जब ऑयल निकलेगा तब हम इसमें दही डालेंगे। दही हमने 1 कप दही लिया है अभी, और दही में हमने 1 स्पून के करीब बेसन लिया है। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, बिल्कुल स्मूथ मिक्स कर लेना है, इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए अच्छे से। इससे काफ़ी अच्छा टेक्सचर आ जाएगा हमारी सब्जी में। अभी वो जब उसमें ऑयल रिलीज हो जाएगा उसके बाद सिम करके हम ये दही का जो हमने पेस्ट तैयार किया है इसको इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ हमें सिम कर लेना है ताकि हमारी दही फटे ना। अभी हम यहाँ दही को डाल देंगे और अच्छे से इसको चलाएंगे। इससे इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और कलर भी बहुत ही अच्छा उभर कर आता है। आप देख सकते हो कलर कितना सुंदर लग रहा है। अब इसमें जब ऑयल रिलीज हो जाएगा तब तक हम इसको चलाएंगे। हल्के से शुरू में हमें सिम ही रखना है गैस को, क्योंकि तेज़ आंच पर अगर हम दही डालेंगे तो फटने का डर रहता है और हमारा टेस्ट सब्जी का ख़राब हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, जब हम दही डालें उसके 2-1 मिनट तक हमें इसी तरह चलाना है और गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। उसके बाद आप तेज कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ ऑयल रिलीज हो चुका है। अब यहाँ हमने जो सब्जी ली थी
उसको हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको हमें ओनली 10 मिनट ही मीडियम फ्लेम पर रखना है, उसमें ही गल जाएगा। और आप देख लेना, अगर बाजार का लौकी हो तो उसको गलने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर वैसा आपको घर में कोई फ्रेश लौकी लाए हो तो वो जल्दी गल जाता है, इसलिए एक बार चेक ज़रूर कर लेना गला है या नहीं। लेकिन 10 मिनट में ही गल जाएगा। मीडियम फ्लेम पर हम इसको रखेंगे। अभी हम इसको इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, 2-3 चम्मच के करीब हमें इसमें पानी ऐड करना है, क्योंकि लौकी में से पानी खुद भी रिलीज होता है। अभी इसको हम ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। आप देख सकते हो 10 मिनट बाद आप देखना, 10 मिनट हो चुके हैं, लौकी का कलर काफ़ी अच्छा उभर कर आया है। यहाँ हम धनिया पत्ता डाल देंगे, इससे बहुत ही गजब का टेक्सचर उभर कर आता है सब्जी का। इस तरह से आप लौकी की सब्जी बनाना और सबको खिलाना। घर में अगर कोई नहीं भी खाता होगा तो भी इसे ज़रूर खाएगा। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर आप ट्राई करके देखना। आप देख सकते हो कलर कितना गजब का उभर कर आया है। बहुत ही कमाल की हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। लौकी की सब्जी आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन इस तरह से आपने कभी नहीं बनाई होगी। इस तरह से बनाकर ज़रूर देखना। बहुत ही मस्त हमारी लौकी की सब्जी बनती है और सभी बड़ा इंजॉय करके खाते हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। उससे हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। प्लीज़ ये ज़रूर बताना। आप देख सकते हो कितनी गजब की हमारी लौकी बनकर तैयार हुई है, मस्त। इस तरह से बनाइए और खाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।